2 लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS, बाकी 1,99,970 बैक टू जीरो। पढ़ गया। ये जो फाइन के नाम तू मांग रहा है ना, ये घूस है। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ गया। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो। जबान चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? चंबल का हूँ, समझा? IPS बन गया ना, तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। तो IAS बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। चलिए अब पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप में एक लड़का है कोई जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज? अब बड़ा प्लीज अफसर बनकर ही लौटी। तुझे पढ़ते में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। हिंदी मीडियम? जी भैया। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। मैं भी बनूंगा IPS। फिर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाता है। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए, नहीं बनने वाले तुम लोग IPS ऑफिसर्स। सही बात कर रहे हो, तो चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास, गरीब होता है इनका बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक ना एक दिन IAS IPS बनेंगे। गणपट्टी पूजा की बीती रात, ये पीछे नहीं हटते, रास्ता ना देखे ये नीचे नहीं झुकते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका ये जज्बा, और तुम देखना यही जज्बा एक दिन देश बदलेगा। फेल 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 हो गया। नेक्स्ट भैया कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। क्या समझ रहा है तू कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है? ये हम सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। हाँ छोटो सुनो मेरी बात। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। चोर की आवाज। चोर रीस्टार्ट।